शिमला शहर को स्वच्छ और देश भर के शहरों में चल रही स्वच्छता प्रतियोगिता में बेहतरीन स्थान पाने के लिए शिमला शहर के लोग स्वच्छता ऐप डाउनलोड करें और कूड़ा संबंधी सभी शिकायतें उसी पर डालें। जनता से ये आग्रह नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय ने नगर निगम शिमला में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर हुई बैठक में किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम और अन्य विभाग शिमला शहर को स्वच्छता के मामले में उच्च पायदान पर लाने में प्रयासरत है और इसके लिए आम जनता के सहयोग की भी जरूरत है। देश के 4041 शहरों में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण में इन दिनों जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है और शिमला शहर अभी 241वें पायदान पर है। शिमला शहर को और ऊपर लाने और बेहतरीन स्थान दिलाने के लिए नगर निगम शिमला अपनी ओर से अच्छे प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके लिए निगम को शहर के बाशिंदों के सहयोग की भी दरकार है। शिमला की जनसंख्या के हिसाब से स्वच्छता ऐप की डाउनलोडिंग 25,000 से अधिक होनी चाहिए, जो मौजूदा समय में 10,000 ही पहुंची है। 31 जनवरी तक होने वाले इस सर्वेक्षण के लिए निगम आयुक्त पंकज राय ने सभी शहरवासियों से स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने और स्वच्छता संबंधी शिकायत भी इसी ऐप पर डालने की अपील की है। भारतवर्ष में इस समय एक कॉम्पिटिशन चल रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। ये 4 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी के बीच में सर्वेक्षण होगा, लेकिन सर्वेक्षण से पहले सभी सिटीज़ जो हैं 4041 सिटीज़ ने कंट्री में कंपटीशन जिनमें हो रहा है ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा है और हम चाहेंगे कि शिमला जो है इस बार अच्छी रैंकिंग लाए और इसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से के अलावा बाकी विभाग भी जुड़े हैं, सभी HODs जुड़े हैं और इसमें आजकल जो कंपटीशन चल रहा है सिटीज़ में वो चल रहा है स्वच्छता ऐप के बारे में। हमारी पोजीशन एक हफ्ता पहले 350 के आसपास थी, अभी हम आज की डेट में 241st रैंक 241वें रैंक पे हैं और हमारी जो अपलोडिंग हुई है स्वच्छता ऐप की वो लगभग 10,000 के ज़्यादा है और हमारा जो टारगेट है 25,000 प्लस है एज़ पर द पॉपुलेशन।